हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज ये आपके अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पर अवेलेबल हो जाती है एंड आपके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जब आपकी जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा होती है वो आप इसमें चूज करते हैं और पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू मेक यू स्टडी वेल एंड आई होप यू आर डूइंग योर डेली वर्क। उम्मीद है कि आप अपना डेली वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे और हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पेज नंबर 23 फिल कर लिया था, अब हम चलते हैं पेज नंबर 24 पर। सो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 2, एडिंग प्रॉपर्टीज। ऑर्डर इन एडिंग टू नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 कैप्स हैं प्लस 1, 2 और यहाँ पर 2 कैप्स हैं, इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितना हुआ 9। इसी तरह 1, 2, 3, यहाँ पर 3 + 5 इज इक्वल 8। द नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम विल बी सेम इन बोथ द केसेस। ऑर्डर इन एडिंग 3 नंबर्स, अब हमें 3 नंबर्स में इनको ऐड करना है, ठीक है। 1 + 7 + 1, यहाँ पर ग्रुप किसका हुआ है या किस में कौन सा बना हुआ है, 1 + 7 का इज इक्वल 8। 1 + 7 को हमने प्लस किया तो 8 + 1 इज इक्वल 9। 1 + 7 + 1 इज इक्वल 1 + 8 इज इक्वल 9। यहाँ पर हम ग्रुप या ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। देखिए 1, 7 और 1 हमारे पास नंबर्स हैं, पहले हमने 1 + 7 किया, फिर उसमें 1 को ऐड किया, इस बार हमने 1 को बाहर रखा, 7 में पीछे वाला 1 प्लस किया तो 1 + 8 इज इक्वल 9 मिला। इसी तरह से अब हमने 1 + 1 को ऐड किया और 7 को बाहर रखा तो हमें मिला 2 + 7 इज इक्वल 9, 9, 9, 9। 3 आंसर्स सेम है। द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, आप नंबर्स को किसी भी ग्रुप में और अरेंज करेंगे। द सम विल रिमेन द सेम इन ऑल द केसेस, तो हमें आंसर सेम ही मिलेगा। इसी तरह से एडिंग 0, 5 + 0 इज इक्वल 5, 16 + 0 इज इक्वल 16। व्हेन 0 इज एडेड टू ए नंबर दैट सम इज द नंबर इटसेल्फ, किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर्स में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर्स फिर से मिलेगा। सो कम ऑन पेज नंबर 25, एडिंग वंस। 8 + 1 इज इक्वल 9, 24 + 1 इज इक्वल 24। अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो व्हेन 1 इज एडेड टू ए नंबर द सम इज द नेक्स्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन, हम किसी भी नंबर्स में 1 ऐड करेंगे तो हमें उसका अगला नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें अगर हमने 8 में प्लस 1 किया तो हमें 9 मिला, अगर हम 9 में प्लस 1 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, है ना, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, 5 + यहाँ पर देखिए इज इक्वल 4 + 5, तो हमें पता है यहाँ पर जो नंबर मिस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4 यहाँ पर हमें लिखना है। 55 + अब यहाँ पर देखिए 23 + दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमें पता है यहाँ पर 55 है यहाँ पर 23 है, तो हमारा यहाँ जो मिस नंबर है वो 23 होगा और यहाँ जो मिसिंग है वो 55 होगा। इसी तरह से 7 + 3 + 5, अब देखिए 3 भी है 5 भी है तो हमें बाहर क्या रखना है 7। इसी तरह से 12 + 7 + 9 इज इक्वल 12 यहाँ पर है, 9 भी है और हमारे पास क्या मिस है 17, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17। इसी तरह से 24 + 10, ग्रुप में कौन सा नंबर मिस है तो हम पीछे की तरफ देखेंगे क्या क्या है, यहाँ पर 24 + 17 + 10, 10 भी है 24 भी है, हमारे पास कौन सा मिस है 17, तो हम यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लेंगे 17। कंप्लीट द यूजिंग एडिशन फैक्ट्स। 18 + 0, हमें पता है कि किसी भी नंबर्स में अगर 0 को ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। व्हेन 0 इज एडेड टू ए नंबर द सम इज नंबर इटसेल्फ, इसी तरह से 30 + 0 इज इक्वल 30, ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। 10 + 1 इज इक्वल 11, 20 + 1 इज इक्वल 21, 30 + 1 इज इक्वल 31, 40 + 1 इज इक्वल 41, इसी तरह से 1 + 1 इज इक्वल 2, 12 + 3 इज इक्वल 15,
24 plus 5 is equal 29 and 34 plus 7 is equal 41. तो आपका वर्क रहेगा डू पेज नंबर 25 इन दी बुक. आप अपनी बुक में 25 पेज नंबर फिल करेंगे और आपका ये वर्क कंप्लीट करेंगे. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड डे.